भारत वर्ष में भगवान परशुराम जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुंचे। और मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज संपूर्ण भारत वर्ष में भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं पर आपको ले चल रहा हूं राजस्थान उदयपुर, जहां आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ के साथ आज उदयपुर शहर में जगह जगह पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सभी सदस्यगण यहां भगवान प्रभु श्री राम जी की प्रदर्शनी रोड शो के साथ उदयपुर शहर में भ्रमण कर या जगह जगह पर आज सभी लोगों को अपने देश की सनातन धर्म की परंपरा और अनेक ऐसे रीति रिवाज, आज सभी सांस्कृतिक संस्कार, भारत की अनोखी या अनमोल दिव्य अलौकिक दृष्टि के साथ लोगों को जगाते हुए या देखा गया। जहां आप देख सकते हैं कि विभिन्न संस्था के लोग प्रदर्शनी शोभा यात्रा में शामिल होकर और जगह जगह पानी और रस और अनेक ऐसे सुख सुविधाओं के साथ भी यहां पर देखा गया और फूल मालाओं से स्वागत करते हुए सभी सदस्य गण और शोभा यात्रियों को या भारी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के साथ आज यहां पर देखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है विभिन्न तरह की संस्था आज शोभा यात्रा और जो है युवा पुरुष महिला सभी डांस करते हुए भजन करते हुए भगवान परशुराम जी की याद में आज जय जयकार के साथ शहर भर में गुनगुनाते हुए आज सभी रोड पर सड़क पर जा रहे थे, जिसमें कि धुन के साथ यह झांकी प्रदर्शनी आज भारी मात्रा में देखने को मिली, जहां पर भारी संख्या में लोग जमावड़ा थे और भारी संख्या में लोगों को आने जाने और अनेक ऐसे सुविधाओं और पानी आदि का व्यवस्था, भंडारे और अनेक ऐसे प्रदर्शनी रोड शो के साथ लोगों को फूलों की वर्षा देखी गई, जहां पर अनेक जगह पर केले और पानी और जो है नींबू पानी आदि का भी व्यवस्था आज भंडारे के साथ साथ यहां पर सभी व्यवस्थाओं के साथ आज लोगों ने आनंद लिए, जहां पर सभी सदस्यगण भगवान परशुराम जी की प्रदर्शनी शोभा यात्रा में शामिल होकर आज जो है उनकी जयंती यानी कि 10 मई 2024 के हर वर्ष की भांति यहां पर और अनेक संपूर्ण भारत वर्ष में मनाई जाती है, जो कि आप सभी लोगों को या देखा जाता है। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। आपको ले चल रहा हूँ सीधे राजस्थान उदयपुर, जहाँ पर आज प्रभु भगवान परशुराम जी की जयंती के साथ साथ सभी लोगों के चेहरे पर एकदम खुशियों का अंबार लगी हुई थी। यह सभी लोग आज भगवान परशुराम जी की जय जयकार के साथ धूमधाम के साथ उदयपुर राजस्थान में मनाया गया, जहाँ पर सभी हजारों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर और जो लोगों का जिस तरह से भंडारा का आयोजन और अनेक ऐसे सामाजिक लोगों का संस्थाओं के द्वारा विभिन्न संस्था आज या सभी अपनी अपनी जो है प्रदर्शनी रोड शो और झांकियां देखने को मिली, लोगों के चेहरे पर खुशी ही खुशी देखने की मिली है। जिस तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ आज उदयपुर में धूमधाम के साथ जो है झांकियां रोड शो के साथ किया गया, जिससे सभी खुश रहे और सभी भंडारे और अनेक ऐसे सुख सुविधाओं से आज सड़कों पर भी फूल मालाओं के साथ देखी गई। यह फूल माला आप देख सकते हैं कि चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो और बच्चे हो, युवा साथी हो, सभी लोगों के चेहरों पर खुशियां ही खुशियां देखने मिला। शोभा यात्रा के साथ साथ युवाओं का भी काफ़ी डांस और महिलाओं का डांस और भजन कीर्तन के साथ साथ लोगों की
या परंपरा, भारत की संपूर्ण रीति रिवाज आज संस्कार की अनेक ऐसे खूबियां आज दिखाई दी जो कि अनोखी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा रहा। यह खुशियां आज सभी लोगों के संस्था द्वारा किया गया, विभिन्न तरह की संस्था इसमें अपनी अपनी झांकियां, अपनी अपनी शोभा यात्रा और प्रदर्शनी का बहुत ही शानदार रीति रिवाज के साथ। और आज 10 मई 2024 का जो प्रदर्शनी, जो झांकियां, जो शोभा यात्रा देखने की मिली है, यह सभी लोग जो है रोड पर, सड़कों पर, जहां छतों पर, घर के और अनेक स्थानों पर लोग जहां जो जे था, देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। क्योंकि आज थोड़ा रिमझिम बारिश भी हुआ, लेकिन वह जो है बारिश जो है खुशी को ना रोक सका और वह आज जो है भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। यह धूमधाम आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ लोग निकले और शोभा यात्रा निकाली गई, और महिलाओं का भी इसमें भागीदारी होना, युवाओं का भागीदारी होना, बुजुर्गों का भागीदारी होना, यह सभी लोग जो है खुशियों के और उनके चेहरे पर खुशी ही खुशी देखने को मिली है। यह बहुत बड़ी हम सभी का पर्व है और हम सभी को सादगी, प्यार, मोहब्बत के साथ प्रत्येक पर्व और त्यौहार और जयंती मनानी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यह खुशियों का अंबार, इसी तरह से हम सभी को अपने भारत को खुशहाल बनाना है और देश को और खुशहाली के साथ ले चलना है, ताकि और भी देश हमारे देश के सभी लोगों से सीखें कि भारत की खुशी, भारत की परंपरा, भारत की संस्कार, भारत की रीति रिवाज, भारत की अनेक परंपराओं का जो उल्लेख आज हम सभी लोग देखते हैं, वह जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा। जो आप सभी लोग देखते हैं कि भारत हमारा एक स्वर्ग है और स्वर्ग के अनुसार हम आज अपने भारत को और भारत की अनेक जगहों पर पवित्र तीर्थस्थल हैं और उस तीर्थस्थल पर बसे हैं, देवी देवताओं का जन्मस्थली है, जहां आप देख सकते हैं, चाहे हम अयोध्या की बात कर लें या प्रयागराज या वाराणसी या जो है केदारनाथ, हरिद्वार, कहीं पर भी हम चले जाएं, उज्जैन चले जाएं, तो हर जगह आज हम सभी लोग खुशियों की, अपनी कोई भी परंपरा हो, कोई भी पर्व हो, हम सभी लोग बड़े सादगी और प्यार स्नेह के साथ मनाते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चेहरे पर खुशियाँ हमेशा बनी हुई है, और ऐसे ही हम सभी लोग कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी सेलिब्रिटीज हो, कोई भी जयंती हो, इसी तरह से हम सभी को मनाना चाहिए। और यह मनाने का हम सभी का उद्देश्य है कि हम सभी लोग एक हैं और एकता के साथ ही हम सभी लोगों का हमेशा जो है एक दूसरे के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलनी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारी भीड़ के साथ साथ भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर लोगों को बहुत ही खुशी का आज अंबार रहा है, और यह उदयपुर राजस्थान का आपको फुटेज आज सुबह टाइम टीम दिखा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, और लोगों को जो है जगह जगह पर चाय पानी व्यवस्था और अनेक ऐसे जो है व्यवस्था किया गया था, जो फूल मालाओं के साथ और लोगों को फूलों से स्वागत किया गया। तो यह है उदयपुर, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज अनेक भारत की राज्यों की, अनेक संपूर्ण भारतवर्ष में आज जो है भगवान परशुराम जयंती मनाई गई, जगह जगह झांकियां निकाली गई और लोगों का जो भीड़, जो संदेश रहा प्रभु परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर जो उन्होंने कहा था, आज हम सभी लोग उसे याद कर रहे हैं और अपने जो है जेहन में, अपने मनों में, अपने दिल दिमाग में सोच रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी महापुरुष हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी हो, आज हम उन्हीं की प्रेरणाओं के स्रोत आगे बढ़ना चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य के साथ जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रदर्शनी बहुत ही शानदार, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य, बहुत ही अनोखी दिखाई दिया है, और चारों तरफ जिस तरह से खुशियां ही खुशियां देखने को मिली है और अनेक जगहों पर लोगों का जो है
यहाँ पर रुकना और सड़क पर आने जाने वाले लोग भी काफ़ी भीड़ के साथ लोग देखने शुरू कर दिए। वहीं पर शासन प्रशासन व्यवस्थाएं राजस्थान में चुस्त दुरुस्त रही और अनेक जगहों पर पुलिस व्यवस्था किया गया था। बहुत ही शानदार यह रहा और यह शानदार के साथ साथ हम सभी को आज पर्व की खुशियों का बहुत बड़ा यह पर्व हम सभी मनाने के लिए आज जो है बहुत ही खुशी। आज प्रभु परशुराम जी की यह लीला जिस तरह से देखा गया, आज उनकी जयंती मनाई जा रही है 10 मई 2024 को, और भव्य यह भगवान परशुराम जी की आज जयंती के साथ बड़े हर्षोल्लास सभी के चेहरों पर, चाहे बुजुर्ग हों, महिला हों, बच्चे हों, सभी चेहरे पर खुशी ही खुशी देखने को मिली है। जहां आप देख सकते हैं यह उदयपुर राजस्थान का आपको यह फुटेज दिखा रहा है आज सुबह टाइम। जैसा कि आप जानते हैं भारी भीड़ के साथ आज राजस्थान उदयपुर में हर जगह शहर में यह झांकियां निकाल कर और लोगों को दिखाया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।